1857 विद्रोह से जुड़ी हुई और उसके बाद जो घटनाएं हुई वो हमने सब पिछले वीडियोस में देख लिया। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, 19वीं सदी में भारत में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। हमारा टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया, अर्थात भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या इंडियन रिनेसा, इसी को भारतीय पुनर्जागरण या इनलाइटनमेंट यानी कि भारतीय प्रबोधन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भारत में जो लोगों की सोई हुई चेतना थी, भारत में जो कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने, सोई हुई चेतना और भारत के ज्ञान विज्ञान को जगाने का काम 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ, जो कि आजादी के आंदोलन तक चलता रहा और इवन आज भी वो प्रक्रिया भारत में जारी है। तो इस पूरे मूवमेंट को जो है हम भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय प्रबोधन या भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस पूरे पीरियड में भारत के अनेक बुद्धिजीवी जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फुले, ऐसे महान लोगों ने भारत में जो अंधविश्वास और कुरीतियां फैली हुई थी, उन अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर किया, भारत में नई व्यवस्थाओं को लाने का उन्होंने प्रयास किया और भारत के जो सोई हुई चेतना थी, जिसमें हमको लगता था कि ये अंग्रेज लोग हमारे साथ जो भी कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य है, ये हमारी व्यवस्था है, हमारा दुर्भाग्य है, इस प्रकार से ये सोच करके वो लोग काम करते थे। पर इन महान लोगों ने आया और लोगों की चेतना को जगाया और कहा कि हमें राजनीतिक आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमें सामाजिक आजादी ना मिले, और सामाजिक आजादी हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमें धार्मिक आजादी ना मिल सके। क्योंकि उस समय चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ये सबके समाज और इनकी सामाजिक व्यवस्था धर्म से रेगुलेट होती थी। तो जब तक हम अपने धर्म में सुधार नहीं लाएंगे, हमारे धर्म में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे, हमारा सामाजिक उत्थान नहीं होने वाला है, और जब तक हमारा सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, तब तक हमारे पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी नहीं होगा, और तब तक हम अंग्रेजों से अपने लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ विचार थे जिसके कारण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में शुरू करने की जरूरत पड़ी। ये जो भारतीय पुनर्जागरण भी हम जिसको कहते हैं, ये है क्या, रिफॉर्मिस्ट और रिस्टोरेटिव मूवमेंट। अब ये जो आंदोलन चला भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये दो डायमेंशन में चल रहा था। एक डायमेंशन था कि भारत को रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म कैसे करेंगे, देश दुनिया में जो नई नई आधुनिक चीजें आ रही हैं, पश्चिमी चीजें आ रही हैं, स्वतंत्रता, समानता, डेमोक्रेसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न एजुकेशन, इन सबको एडप्ट करके भारत को रिफॉर्म करना है। कुछ इस विचारधारा के लोग थे, जबकि दूसरी रिस्टोरेटिव या रिवाइवल विचारधारा के लोग थे। रिस्टोरेटिव या रिवाइवल अर्थात हमारा जो पुरानी व्यवस्था थी वैदिक काल में, महाजनपद काल में, गुप्ता काल में, हम उस पुरानी व्यवस्था को रिवाइव करना चाहते हैं, हम उस पुरानी व्यवस्था को रीस्टोर करना चाहते हैं, हमें पश्चिम से या दुनिया में और कुछ जो नया हो रहा है, हमें वो सारी चीजें एडप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो अलग अलग विचारधारा से लोग समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो था सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भारत में, ये रिफॉर्मिस्ट भी था और रीस्टोरेटिव मूवमेंट था, स्टार्टेड बाय इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में इस आंदोलन को जन्म देने वाले अपर क्लास के लोग नहीं थे, लोअर क्लास के लोग नहीं थे, मिडिल क्लास के थे, और मिडिल क्लास में से भी वे लोग जो इंटेलेक्चुअल्स थे, पढ़े लिखे थे, आधुनिक ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, वेद पुराण इत्यादि से जो परिचित थे, ऐसे मिडिल क्लास लोगों ने इस आंदोलन को भारत में शुरू किया। ये शुरुआत हुई इसकी स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, इसकी शुरुआत, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी जो ओरिजिन प्लेस है वो बना बंगाल, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे भारत में, फिर वो चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, सारे भारत में इसका प्रभाव धीरे धीरे फैल गया, और ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रिलीजन, ऑल रिलीजन, इसका प्रभाव सभी धर्मों में पड़ा। क्योंकि उस समय भारत के जितने धर्म थे,
उन सारे धार्मिक नियमों से ही व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था चलती थी। तो इस्लाम में सुधार के लिए भी धार्मिक आंदोलन चले, हिंदुइज्म में भी, सिखिज्म में भी, ठीक है, कुछ पारसी धर्म में भी चला, और क्रिश्चियनिटी तो हमारे लिए विदेशी था, ठीक है। तो जो भारत में जो महत्वपूर्ण धर्म थे उनमें सुधार आंदोलन चला। स्टार्टेड विद द बिगिनिंग इन 19th सेंचुरी, इसकी शुरुआत 19वीं सदी के शुरू से ही 1810, 1812, 1815 के आसपास से ये शुरू हो गया, और ये 1947 भारत की आजादी मिलने तक चालू रहा, ठीक है। कॉजल ऑफ ऑरिजिन, भारत में इन आंदोलनों के शुरू होने के पीछे कारण क्या था, ठीक है। तो सारांश में कारण यह था कि भारत में घोर अंधविश्वास और घोर कुरीतियां फैल गई थी, व्यक्ति तरह तरह से दुखी और प्रताड़ित हो रहे थे। इसलिए मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोगों को लगा कि हमें इनकी सोई हुई चेतना, इनकी सोई हुई आत्मा को जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम लोग एक एक करके कारण देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। भारत में यह सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाने के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत में कॉलोनियल रूल का होना, भारत में अंग्रेजों द्वारा भारत को उपनिवेश बना लेना, अंग्रेजी शासन का भारत में आना ही भारत के तमाम दुखों और पिछड़ेपन का कारण बना, और इसी दुख और पिछड़ेपन से निकालने के लिए यह आंदोलन चला। तो हम देखते हैं कि कॉलोनियल रूल के इंडिया में होने से क्या दिक्कतें आई। प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड कन्वर्जन, उन्होंने हमारे सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में क्या किया, कॉलोनियल रूल भारत में आया और 1813 के चार्टर एक्ट ने खुली छूट दी थी कि अब क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आकर के ईसाइयत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को विभिन्न प्रकार से लालच लोभ देकर के उनको, जो गैर क्रिश्चियन लोग हैं उनको क्रिश्चियन बनाया जाए। इससे हमारे यहाँ के लोगों को अपना धार्मिक हस्तक्षेप और अपने धर्म में संकट मंडराता हुआ दिखाई दिया, और इसलिए जरूरी हो गया कि हम अपने धर्म में सुधार करें। तो ज्यादातर लोग हिंदू से या मुसलमान से या किसी दूसरे धर्म से ईसाई इसलिए बन रहे थे क्योंकि उनको अपने धर्म के कारण दुख भोगना पड़ रहा था, उनके अपने धर्म में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, रीति रिवाज और परंपराएं शामिल थी जिनको करने के लिए लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती थी। जबकि क्रिश्चियनिटी बहुत सिंपल धर्म है, इस धर्म को निभाने में पैसा मिलता है, पैसा खर्च नहीं होता। तो जरूरी था कि हम भी अपने धर्म में सुधार करें, अपने अंधविश्वास, कुरीति, रीति रिवाजों को अलग करें ताकि हमारा धर्म भी सिंपल हो सके और हमारे जो लोग हैं जो मजबूरी होकर के अपना धर्म परिवर्तन करते हैं वो ना किए जा सके। वेस्टर्न एजुकेशन, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो पश्चिमी शिक्षा, साहित्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी का भारत में महत्व बढ़ रहा था, जिससे भारत में एक तरफ भौतिकवाद बढ़ रहा था, दूसरे तरफ हम अपनी पुरानी जड़ों से अलग होते जा रहे थे, ठीक है, कुरीतियां फैल रही थी। सोशियो रिलीजियस इंटरफेरेंसेस, ये पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार से सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप किए जा रहे थे जो भारतीय लोगों को बर्दाश्त नहीं था। रेसिज्म, अंग्रेजों ने नस्लवाद की नीति भारत में फैलाई, तुम गोरे हम काले, तुम ऊंचे हम नीचे, तुम दलित हम सवर्ण, इस प्रकार की नस्लवाद की भावना बढ़ा करके भारत में अनेक प्रकार के अंधविश्वासों और कुरीतियों को जन्म दिया। कम्युनलिज्म, हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन रिलीजियंस, कस्टम्स, लिटरेचर एक्सेट्रा, अंग्रेज लोग भारतीय धर्म, भारतीय वेद पुराण, भारतीय साहित्य और भारतीय रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा इंफीरियर मानते थे, हंसी करते थे, मजाक करते थे, और जब ऐसा करते थे तो हमें, हमारे लोगों को लगता था कि हमारे अंदर कमी है, हमारे धर्म के अंदर कमी है और ये लोग सुपीरियर है। तो इस प्रकार की हीन भावना हमारे यहाँ के लोगों में भर गई थी। डिस्क्रिमिनेशन, इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार से तमाम प्रकार के भेदभाव किए, और इन भेदभाव ने लोगों के अंदर माइसरी, विभिन्न प्रकार के दुखों को जन्म दिया, फ्रस्ट्रेशन को जन्म दिया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म दिया, और आदमी दुखी, प्रताड़ित, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था, ठीक है। तो पहला कारण आंदोलन को शुरू करने का यह था कि भारत में कॉलोनियल रूल उपस्थित थे जिसके कारण बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हमारी सोसाइटी में पड़े। दूसरा था राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोगों का उदय। ये मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग एक तरफ अंग्रेजी शासन से जो अच्छी चीजें थी उसको सीख रहे थे, जैसे अंग्रेजी सीख रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीख रहे थे, ये तमाम अच्छी चीजें सीख रहे थे। दूसरी तरफ ये भारतीय जड़ों से भी जुड़े हुए थे, वेद भी जानते थे, पुराण भी जानते थे, भारतीय संस्कृति को भी जानते थे। तो इन मिडिल क्लास ने वेस्टर्नाइजेशन और इंडियनाइजेशन दोनों की अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के समाज में उसको बांटने का काम किया। ब्रॉड नेशनलिज्म, इन्होंने
लोगों के अंदर तर्कवाद को जन्म दिया कि कोई भी अंधविश्वास है कुरीति उसको छोड़ो, पहले समझिए कि उसके पीछे करने के पीछे तर्क क्या है, ये किया जाना चाहिए या नहीं। तो तर्कवाद को जन्म देने का काम किया इस मिडिल क्लास के लोगों ने। रिवाइवल ऑफ पास्ट, भारत के लोगों को यह बताया कि भारत हमेशा से इस प्रकार से शोषित, इस प्रकार से गरीब, इस प्रकार से बेरोजगार, इस प्रकार से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से प्रताड़ित, इस प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड कभी नहीं था। इंडिया एक ऐसी विशाल सभ्यता का जन्मदाता है, भारत में वेद लिखे गए, भारत में मौर्य वंश रहा, भारत में गुप्त वंश रहा, ये तमाम प्रकार की चीजें लोगों को बता करके हमने अपने पास्ट के गौरव को रिवाइव करने की कोशिश की, ताकि हमारे लोगों के अंदर की जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग मान चुके थे कि यही हमारा भाग्य है, यही हमारी नियति है, हमारे साथ यही होना है, ठीक है। लेकिन जब हमने उनको पास्ट बताया तो उनको लगा कि नहीं, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे, वो महान थे, वो शक्तिशाली थे, वो सक्षम थे, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन, ये जो मिडिल क्लास है ये पश्चिमी किरणों से प्रभावित होकर के पश्चिम की अच्छी चीजों को लोगों को अडॉप्ट करने का सलाह देते थे, और जैसे कि कुरीतियों से दूर रहना, अंधविश्वासों से दूर रहना। तीसरा कारण है प्रेजेंस ऑफ वेरियस सोशल एविल्स, कस्टम्स एक्सेट्रा। इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे कारण यह था कि भारत में अनेक प्रकार की कुरीतियां, अनेक प्रकार के अंधविश्वास, अनेक प्रकार के जटिल रीति रिवाज भारतीय संस्कृति में शामिल हो गए थे, जो रियलिटी में कभी भी हिंदुइज्म का, इस्लामिज्म का रियल में हिस्सा नहीं है, उसको डिस्टॉर्ट कर करके और अंधविश्वास को जन्म दिया गया था, ठीक है, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, मौलानावाद के माध्यम से। तो उन सारी कुरीतियों को भी दूर करना जरूरी था। इसके लिए मिडिल क्लास लोगों ने कोई बकवास नहीं की, वेद पुराण कुरान का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद लोगों को बताया कि वेदों में, पुराणों में, कुरानों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो कुरीतियां चल रही हैं हमारे समाज में, वैसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। भारत में सती प्रथा कर दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है किसी ग्रंथ में। भारत में विधवा फिर से विवाह न करें, महिलाओं को शिक्षा दीक्षा न दिया जाए, ऐसे उन्होंने अपने उदाहरणों से, वेद पुराणों से लोगों को सामने अपनी बात रखी, तब जाकर के अवैज्ञानिक हुआ है, ठीक है। कोई बकवास करने वाले लोग नहीं थे, ठीक है। इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे कारण यह था इंपैक्ट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। पूरी दुनिया में नई नई घटनाएं हो रही थी, जैसे अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिका और फ्रांस में क्रांति हो रही थी, पुनर्जागरण हो रहा था यूरोप में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इन सारी घटनाओं का जो है प्रभाव भारत के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोगों में पड़ा, और उनको भी लगा कि जिस प्रकार देश दुनिया में नित नई चीजें हो रही हैं, हमें भी अपने यहाँ समाज में इन कुरीतियों को दूर करके उन नई चीजों को लाना होगा। अगर हम इन्हीं कुरीतियों से जकड़े रहे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और दिन ब दिन हम पीछे होते जाएंगे, जबकि भारत का इतिहास ऐसा है कि भारत हमेशा दुनिया में अग्रणी रहा है, चाहे कॉटन कल्टीवेशन की बात हो, इंडिगो कल्टीवेशन की बात हो, ट्रेड की बात हो, ठीक है, तमाम प्रकार की चीजें भारत में पाई जाती थी। लेकिन ये जो घटिया स्थिति आ गई है भारत में, ये हमारे अंधविश्वास, कुरीति और हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण है, ठीक है। तो जो आधुनिक विचार थे दुनिया में उनको अपनाया गया। इमर्जेंस ऑफ न्यू वैल्यूज, दुनिया में नए नए सिद्धांत आ रहे थे, जैसे लिबरलिज्म, उदारवाद, जिसमें उदारवाद में रैशनलिज्म का समर्थन किया गया है, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, LEF माने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, ऐसे नए सिद्धांत आ रहे थे दुनिया में, और इन नए सिद्धांतों को भी हमारे पढ़े लिखे लोग समझ रहे थे, और उनको लग रहा था इन नए सिद्धांतों को भारत और भारत के लोगों के द्वारा अपनाना भी जरूरी है, ताकि हम प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके। रीच ऑफ इंडियंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब धीरे धीरे भारत के लोग भी दुनिया के कई जगह पर आना जाना शुरू कर दिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में आते जाते थे, और भी हमारे यहाँ के लोग पढ़ने लिखने अभी इंग्लैंड जाने लगे, फ्रांस जाने लगे, जर्मनी जाने लगे, रूस जाने लगे। तो जब भारत के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग देश से बाहर निकले, और वहां पर उन्होंने जो परिवर्तन देखा, तो उनको समझ में आया कि भारत बहुत पिछड़ रहा है, और भारत में भी इस प्रकार के परिवर्तन करने की जरूरत है। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी इत्यादि लोगों के द्वारा अंग्रेजी शासन किस प्रकार से हमारा शोषण कर रही है, उनकी उनकी आर्थिक आलोचना की, उनकी आर्थिक आलोचना ने भी लोगों के आंख कान खोलने का काम किया। फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद भी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हमें हमारे द्वारा भी अपने समाज में कुछ सुधार करने की जरूरत है,
हमारा सुधार अंग्रेज नहीं कर सकते, हमें अपना सुधार खुद करना पड़ेगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट, लोगों ने अपने अध्ययनों के माध्यम से भारत का जो भूतकाल था उसको लोगों के सामने ला करके रखा और ये बताया कि भारत एक महान देश रह चुका है, भारत एक महान सभ्यता का जन्मदाता रह चुका है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप ऊपर उठिए। रोल ऑफ भक्तिज्म एंड सूफीज्म, और इसके पहले भी हमने देखा था भारत में भक्तिवाद और सूफीवाद का एक दौर चला था, उसने भी भारत में विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया था, तो उसका प्रभाव भी इन सब पर पड़ा। तो इन 10 कारणों से भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक, जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इस आंदोलन में जो लोग थे, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे, वो अपना मैसेज जनता तक कैसे पहुंचाते थे, तो मेथड यूज्ड, उनके कार्य करने की विधि क्या थी, वो लोगों को कैसे अवेकनिंग कर रहे थे, लोगों को कैसे जागरूक कर रहे थे, उनका मेथड है पहला क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों के बीच में जाकर के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, वेद पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, रैशनैलिटी के माध्यम से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाते थे। जैसे बात होती थी कि सती प्रथा, तो सती प्रथा है तो क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, अगर एक पति के मरने पर पत्नी को भी मरना पड़ा तो उस पत्नी का दोष क्या है, ठीक है, इसके वेद पुराण से हम साक्ष्य देते हैं आपको कि ऐसा वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है, रैशनैलिटी से भी सोचो तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अवेयरनेस लोगों के बीच में जाके फैलाते थे, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी था कि उन लोगों को यह समझाना कि जब तक हम अपना धर्म को नहीं सुधारेंगे हमारा समाज नहीं सुधरेगा, और जब तक हम समाज नहीं सुधारेंगे तब तक हम अंग्रेजों से लड़कर के आजादी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आजादी का मतलब है राजनीतिक आजादी प्राप्त करना, और राजनीतिक आजादी तभी मिलती है जब पहले आप अपने समाज में, आपके समाज के लोग जात पात ऊंच नीच गोरे काले की भावना से ऊपर उठे और मिलकर के आंदोलन करें। 1857 का विद्रोह इसीलिए असफल रहा क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, हम लोग सामाजिक रूप से विभिन्न प्रकार की बुराइयों अंधविश्वासों से घिरे हुए, ठीक है। तो एक तो था अवेयरनेस फैलाना, दूसरा था लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन माने अंग्रेजी सरकार को मजबूर करना कि हमारे समाज की इस कुरीति को दूर करने के लिए कानून बनाइए। जैसे 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म किया गया, 1856 में कानून बनाकर विधवा पुनर्विवाह का काम किया गया, इसके पहले विलियम बेंटिक द्वारा कानून बनाकर नरबलि प्रथा को खत्म किया गया, ऐसे तमाम कुरीतियों को कानून के माध्यम से, लेजिस्लेशन के माध्यम से खत्म करने का काम भी इन विद्वान लोगों ने किया। सोशल सर्विस, ये लोग खुद समाज में लोगों के बीच में जाकर ये कोरी बकवास नहीं करते थे, अगर ये कहते थे जात पात नहीं होना चाहिए तो ये खुद सभी जात के लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनके साथ रहना करते थे, ठीक है। अगर ये कहते थे छुआछूत को दूर करो तो ये खुद अछूतों के साथ रहते थे, ठीक है। तो समाज में विभिन्न प्रकार के सेवा का काम इन्होंने किया, अवेयरनेस का काम इन्होंने किया, एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, और हवा हवाई काम नहीं किया उन्होंने, प्रॉपर उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था की, उसके कुछ नियम सिद्धांत बनाए, उसके मेंबर्स बनाए, और उन मेंबर्स के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का काम इन्होंने किया। पांचवा, रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ्स एज अ सिंबल ऑफ चेंज। जिन चेंजों को वो समाज में लाने की बात करते थे, जिन अंधविश्वासों को खत्म करने की बात करते थे, पहले उन्होंने खुद अपने जीवन में इस बात को अपनाया। जैसे राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय की जो भाभी थी उनको जबरन सती बनाया जाना था, तो सबसे पहले इसका विरोध राजा राममोहन राय ने अपने घर में किया, ठीक है। तो ये लोग अपने कर्म से, अपने लाइफस्टाइल से खुद लोगों के बीच में एक सिंबल ऑफ चेंज बनकर के रहे कि जो चीज हम आपको अपनाने को कहते हैं उसको हमने भी अपनाया है, जो चीज हम आपसे छोड़ने को कहते हैं उसको हमने भी छोड़ा है, ठीक है। तो पहले खुद उन्होंने अपने आप में इतना सक्षम लाया कि जब लोगों ने उनको देखा कि भाई ये खुद ऐसा करते हैं तो चलो हम भी करते हैं, कोई बकवास करने वाले लोग नहीं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास एंड अदर लिटरेचर्स, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को इन्होंने नए ढंग से लोगों के सामने रखा और लोगों को बताया कि देखो इन वेद पुराणों में, जो हमारे सर्वोच्च ग्रंथ हैं, इनमें कहीं नहीं लिखा है इस प्रकार की कुरीति के बारे में। तब लोगों को विश्वास हुआ और उन्होंने कुरीतियों को हटाने में इन विद्वानों का साथ दिया, ठीक है। तो ये था उनका कार्य करने का मेथड, ठीक। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बनाए गए थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज भी बोलते हैं इसको, बंगाली भाषा में ब्रह्मो बोलते हैं, ठीक है।
तो जैसे हिंदी में बोलते हैं असल, बंगाल में बोलते हैं असल परिवर्तन, ठीक है। तो ये हिंदी में ब्रह्म समाज और थोड़ा बंगाली टोन में ब्रह्मो, तो ब्रह्म समाज ये एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए एक इंपॉर्टेंट संगठन था। इस संगठन की स्थापना की राजा राममोहन राय, ये बाई बन गया है यहां पर, राजा राममोहन राय ने इस संगठन की स्थापना की। वास्तव में इस संगठन की स्थापना 1814 में किया गया था आत्मीय सभा के नाम से, ठीक है। बाद में 20 अगस्त 1828 को आत्मीय सभा को ही ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक। तो ब्रह्म समाज जो है वो 20 अगस्त 1828 में आया एट कैलकटा, ठीक है। और शुरू में इसका नाम था आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज नहीं था, लेकिन 20 अगस्त 1828 को इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्रह्म समाज रख दिया गया, ठीक है। और ऑफिशियली ब्रह्म समाज यानी जनता के सामने ब्रह्म समाज को 6 जनवरी 1830 को लाया गया। तो एक बार फिर से समझ लेते, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई, 20 अगस्त 1828 को आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया, लेकिन अभी ये सब अपने अपने तक हो रहा था, आम जनता के लिए अभी उसको डिक्लेयर नहीं किया गया था कि इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ठीक है। लेकिन 6 जनवरी 1830 को एक ट्रस्ट के रूप में ब्रह्म समाज को लॉन्च किया गया 1830 में, ठीक। और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ब्रह्म समाज को पहली बार लाहौर में लॉन्च किया गया 1861 में, ठीक। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी हो गया। चूंकि 20 अगस्त को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, इसलिए ये जो ब्रह्म समाज के लोग हैं 20 अगस्त को भद्रोत्सव के रूप में मनाते हैं। भद्र माने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग, तो भद्रोत्सव माने पढ़े लिखे लोगों का उत्सव, भद्रोत्सव, ठीक है। मेंबर्स इस को फाउंड किया था राजा राममोहन राय ने, और इसमें फिर बाद में कई महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उसके मेंबर्स थे, आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेमेंद्रनाथ टैगोर, तो तीन टैगोर तो हैं, आपको ये याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है इसमें, ठीक है। केशव चंद्र सेन द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के चाचाजी थे, ठीक है, और हेमेंद्रनाथ टैगोर भी चाचाजी थे। केशव चंद्र सेन, डेविड हेयर, पंडित नवीन चंद्र रॉय। अच्छा, आपको याद रखना है कि लाहौर में जब पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1861 में, तो ये नवीन चंद्र रॉय द्वारा किया गया था। रामचंद्र विद्या बागीस, जो रामचंद्र विद्या बागीस थे, ये ब्रह्म समाज के पहले अधीक्षक, फर्स्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ ब्रह्म समाज, तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे चलकर के और भी लोग इसमें मेंबर बनेंगे, और लोग और आगे देखेंगे, ठीक है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज को फैलाने का काम दो लोगों ने किया, तमिलनाडु में श्री धरलु नायडू, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में फैलाने का काम किया श्री धरलु नायडू, और केरल और कर्नाटक में उसको फैलाने का काम किया अयथन गोपालन, ठीक है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज किस किस सिद्धांतों से प्रभावित था, एक तो जो रियल हिंदुइज्म, जो रियल वेदों से निकला हुआ है, उस हिंदुइज्म से प्रभावित थे। ज्यूडिज्म, ज्यूडिज्म माने ज्यूस का जो धर्म है उससे प्रभावित थे। इसके अलावा इस्लाम, इन तीनों धर्मों से प्रभावित होकर के इन्होंने अपने सिद्धांतों को बनाया था, अपने सिद्धांतों को लागू किया था, ठीक है। क्रिश्चियनिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थे, थोड़ा मोड़ा उससे भी थे, लेकिन इन तीन धर्मों का सबसे ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। शबो, अब यहां देखते हैं डॉक्ट्राइन, ब्रह्म समाज के क्या नियम, क्या सिद्धांत है जिनको लोग पालन करते हैं, तो किन सिद्धांतों को ये मानते हैं और किन को नहीं मानते, हम दो अलग अलग तरीकों से समझेंगे। तो किन नियमों को, किन डॉक्ट्राइन्स को ये सपोर्ट करते हैं, किसको अपोज करते हैं, तो ये किसको किसको सपोर्ट करते हैं, अर्थात किसको किसको मानते हैं। पहला, मोनोथीज, ये एकेश्वरवाद को मानते हैं, क्योंकि कर्मकांड का सबसे बड़ा जो कारण है, कुरीतियों का सबसे बड़ा कारण है, वो है पॉलीथीज। एक से ज्यादा ईश्वर वाली भावना जहां आ जाती है, वही कर्मकांड नियम रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं। तो ये लोग मोनोथीज्म को मानते हैं, एकेश्वरवाद को मानते हैं, एक ही ईश्वर है, और उस ईश्वर को ये लोग कहते हैं ब्रह्म, ठीक है, इसीलिए नाम रखा ब्रह्म समाज।
तो ये शंकर के जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, कर्म एंड रीबर्थ, कर्म को भी मानते हैं, गीता में कर्म का सिद्धांत है, रीबर्थ और पुनर्जन्म होता है ऐसा भी मानते हैं। विडो मैरिज, विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, समर्थन करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज, यानी विवाह के लिए कोई जाति का बंधन नहीं होना चाहिए, एक जात दूसरे जात के बीच में शादी विवाह इत्यादि होनी चाहिए, तभी भारत में या समाज में जो जात पात को लेकर की कुरीतियां फैली हुई वो तभी खत्म होगा। इंटरनेशनलिज्म, ये अंतरराष्ट्रवाद को मानते हैं, यानी भारत पूरी दुनिया से अलग थलग रहेगा ऐसा इनकी सोच नहीं है, पूरी दुनिया में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है भारत उसको एडप्ट करेगा, पूरी दुनिया के साथ भारत का व्यापार होगा, पूरी दुनिया के साथ भारत आना जाना करेगा। इंटरनेशनलिज्म अंतरराष्ट्रवाद की भावना का ये समर्थन करते हैं, अर्थात ये जिन सुधारों की बात करते हैं वो केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में मोनोथीज्म होनी चाहिए, पूरी दुनिया में इनके सिद्धांतों को माने और ऐसा इनका विचार है। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन का ये सपोर्ट करते हैं, पश्चिमीकरण का ये सपोर्ट करते हैं, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी चिंतन इत्यादि का ये लोग समर्थन करते, उसका विरोध नहीं करते। ठीक है, राजा राम मोहन राय तो कट्टर समर्थक थे भारत में ब्रिटिश शासन का और पश्चिमीकरण का, उन्होंने कभी भी भारत शासन का विरोध नहीं किया। ठीक है, अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों का शासन होना चाहिए ऐसा इनकी मान्यता है, क्योंकि इनकी मान्यता है कि अंग्रेजी शासन ने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अंग्रेजी शासन का सबसे अच्छा बात यह है कि यह तार्किकता पर बल देता है, प्रैक्टिकेबिलिटी पर बल देता है, और जब हमारे अंदर तार्किकता आएगी तभी हम अपने समाज के धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करेंगे और तभी हमें राजनीतिक आजादी मिलेगी। ठीक है, राजनीतिक आजादी के लिए ज्ञान विज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो मानते हैं कि ब्रिटिश रूल भारत में अच्छा है, ब्रिटिश रूल भारत में होना ही चाहिए। राजा राम मोहन राय ने जगह यह भी लिखा है कि हम बहुत धन्य धन्य है हम, और यह ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि अंग्रेजों का शासन भारत में है, क्योंकि अंग्रेज राजा राम मोहन राय की दृष्टि में अंग्रेज बहुत ज्यादा नेशनल और इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे, जो ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देते थे, जो डेयर करते थे, साहसी होते थे, इसलिए इनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा शासित होने का मतलब है बुद्धिजीवियों द्वारा शासित होना, मूर्खों द्वारा शासित होना नहीं, इसलिए वो मानते थे कि ब्रिटेन का शासन भारत में ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए ये पुरजोर कोशिश करते थे, महिला सशक्तिकरण में जैसे कि महिलाओं को प्रॉपर शिक्षा, ठीक है, महिलाओं को पैरेंटल प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति में अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, इस प्रकार से ओवरऑल महिलाओं के सुधार के बारे में, महिलाओं को सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आगे आना, महिलाओं द्वारा अपने रीति रिवाज धर्म का पालन करना, ये तमाम महिलाओं की भागीदारी को समाज में बढ़ाना चाहते थे, इन बातों का ये सपोर्ट करते थे। किन किन बातों को ये नहीं मानते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकार्नेशन, ठीक है, अवतारवाद के सिद्धांत को नहीं मानते कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, शंकर के इतने अवतार हुए हैं, ठीक है, फलाने ब्रह्मा के अवतार हैं, इस टाइप के ये अवतारवाद की भावना को ये नहीं मानते थे। ठीक है, चाहे अवतारवाद हिंदुइज्म में हो, इस्लामिज्म में हो, जहां कहीं भी अवतारवाद की थ्योरी है, ये किसी भी प्रकार के अवतारवाद को नहीं मानते। पॉलीथीज्म, एक से ज्यादा ईश्वर बहुवाद को नहीं मानते, बहु ईश्वरवाद को नहीं मानते। ठीक है, पॉलीगामी, पुरुषों द्वारा एक से ज्यादा विवाह, बहु पत्नी को ये नहीं मानते, कहते हर व्यक्ति को एक ही विवाह करना चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि स्त्री है और उसका पति गुजर गया है तो उसको दोबारा विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, आइडोल वर्शिप, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, रिचुअल्स कर्मकांडों को नहीं मानते, स्क्रिप्चर्स एज एन अथॉरिटी, स्क्रिप्चर्स माने वेद पुराण उपनिषद, यही अंतिम सत्ता है ऐसा ये नहीं मानते। इनका मानना है कि इनसे भी बड़ी सत्ता है विवेक, विजडम, रैशनल। ठीक है, तो भले ही वेद पुराण साहित्य में, उपनिषदों में, स्क्रिप्चर्स में कुछ भी लिखा हो, यदि वो रैशनलिज्म की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो हम उस बात को नहीं मानेंगे, भले ही वेद पुराणों में क्यों ना लिखा हो। कुछ लोग कट्टर होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे धर्म के ग्रंथ में जो लिखा है उसी को सही मानेंगे, ये ऐसा नहीं कहते थे। ठीक है, सती प्रथा का विरोध करते थे, दहेज प्रथा का, पर्दा प्रथा का, बाल विवाह का, महिला की वेश्यावृत्ति का, कास्ट का, अनटचेबिलिटी का, इन तमाम प्रकार की कुरीतियों का, नरबलि प्रथा का, जितनी कुरीतियां फैली हुई थी, इनका मानना था कि ये तमाम कुरीतियां हमारे ओरिजिनल हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है, ये हिंदुइज्म का डिफॉर्म्ड विकृत रूप है। ठीक है,
ब्राह्मणिज्म एंड सुपरस्टिशियस बिलीव, समाज में जो पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड ये सब फैला हुआ था और उससे संबंधित जो अंधविश्वास फैले हुए थे, इन तमाम चीजों को ये नहीं मानते थे और इनको मानते थे। ये ध्यान से आप समझिए, ठीक है। अब देखते हैं ब्रह्म समाज का समय के साथ उसका डिवीजन हो गया। ब्रह्म समाज दो बार टूटा, उसके जो मेंबर्स थे उनमें कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना ये ह्यूमन नेचर है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पहले तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल होता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन राजा राम मोहन राय के चले जाने के बाद प्रश्न उठा कि अब ब्रह्म समाज की बागडोर कौन संभालेगा। तो ब्रह्म समाज का मुखिया बन गए देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, वो इसके मुखिया बन गए। बाद में इसको एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया जिसका नाम था केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन आधुनिकता से बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्रिश्चियनिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, तो वो ब्रह्म समाज में भी क्रिश्चियनिटी के कुछ सिद्धांतों को लाना चाहते थे। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर आधुनिकता का तो समर्थन करते थे, क्रिश्चियनिटी का समर्थन नहीं करते थे। इसलिए देवेंद्रनाथ टैगोर में और केशव चंद्र सेन में मतभेद पैदा हो गए और इसी मतभेद के चलते ब्रह्म समाज 1865 में विघटित हो गया। ठीक है, तो देखते हैं डिवीजन या सीज्म या डिवीजन का मतलब है उसकी शाखाएं टूट गए, तो उसकी कई शाखाएं बन गई। ठीक है, तो पहली बार ब्रह्म समाज टूटा 1865 में, और ये टूटने का जो सिलसिला है आफ्टर डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, 1837 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। आपको ध्यान रखना है ब्रिस्टल लंदन में है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 1800 ये ब्रिस्टल और जो है इंग्लैंड क्यों गए हुए थे इसको समझ लेते हैं, और राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं यही बताया। राजा राम मोहन राय को 1830 में उस समय के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने लंदन भेजा था कि आप जाइए और वहां पर जो मेरा मामला है, कौन सा मामला, उनका पेंशन वगैरह कुछ बढ़ाने का मामला था, उसको इसलिए भेजा गया था महारानी के पास, पहला काम। दूसरा काम, 1829 में भारत से सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था, लेकिन कुछ कट्टर हिंदूवादी थे जिन्होंने इसकी अपील पहले सुप्रीम कोर्ट में की, भारत के सुप्रीम कोर्ट जो उस समय कलकत्ता में रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। तो ये लोग चले गए सीधे ब्रिटेन के राजा के पास, क्योंकि ब्रिटेन के राजा के पास अल्टीमेट पावर होता था। तो राजा राम मोहन राय इसी चीज को काउंटर करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कट्टरवादी हिंदू है वो अपना पक्ष राजा के सामने रख दे और राजा ये जो कानून बना है भारत में कि अब सती प्रथा नहीं होगा उसको कहीं फिर से वापस ना ले ले। इसलिए अपना पक्ष रखने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन चले गए। फिर वो वहां गए तो वहीं पर जर्मी बेंथम से इनकी मुलाकात हुई। जर्मी बेंथम हम जानते हैं, ठीक है, जर्मी बेंथम जैसे विद्वान लोगों से इनकी मुलाकात हुई और जर्मी बेंथम ने इनका बड़ा भव्य स्वागत भी किया, अपने साथ में रखा। ठीक है, और यहीं पर जर्मी बेंथम ने कहा था कि अगर आप भारतीय नहीं होते तो आप एक आज बहुत महान दार्शनिक होते, एक महान विद्वान माने जाते। ठीक है, तो जर्मी बेंथम इतने प्रभावित थे राजा राम मोहन रॉय से। अल्टीमेटली 1833 में फिर लौटने पाए और ब्रिस्टल नामक जगह पर उनकी मृत्यु हो गई, आज भी उनकी वहां पर समाधि बनी हुई है। उनकी मृत्यु के बाद ही ब्रह्म समाज में विघटन शुरू हो गया। पहला विघटन हुआ 1865 में, कारण था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। कॉन्फ्लिक्ट क्यों था, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में आधुनिकता के साथ साथ क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों को भी लाना चाहते थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर आधुनिकता तो लाना चाहते थे लेकिन क्रिश्चियनिटी नहीं लाना चाहते। इसी में दोनों में विवाद हुआ और अल्टीमेटली 1865 में जो ब्रह्म समाज था वो दो भागों में टूट गया। जो ओरिजिनल था उसको कहा गया आदि ब्रह्म समाज, आदि माने जो पहले से चला आ रहा है, आदि ब्रह्म समाज, और इसके मुखिया बन गए देवेंद्रनाथ टैगोर। जो दूसरा था केशव चंद्र सेन ने बनाया उसका नाम हो गया मॉडर्न या इंडियन ब्रह्म समाज, उसको मॉडर्न ब्रह्म समाज भी कहते हैं और इंडियन ब्रह्म समाज भी कहते हैं। ये था मॉडिफाइड, ओरिजिनल ब्रह्म समाज ये ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल तो था आदि ब्रह्म समाज, ये मॉडिफाइड था। ठीक है, ये जैसे बुद्धिज्म में हीनयान महायान इत्यादि हुआ है। तो पहला विघटन यहां अब मॉडर्न या इंडियन ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन ने बनाया था ये बड़ा पॉपुलर हुआ और इसमें बहुत सारे लोग धीरे धीरे आने शुरू हुए। लेकिन 1878 में ये जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज था इसमें भी कुछ मुद्दे खड़े हो गए। मुद्दे क्या थे कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत था कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे, बाल विवाह के प्रति हम विरोध करेंगे, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक, और इन्हीं के कारण अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था
1872 में, उसका नाम था नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इस नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों की शादी के लिए मिनिमम 14 साल और लड़कों की शादी के लिए मिनिमम 16 साल की आयु रखी गई थी, ठीक। लेकिन केशव चंद्र सेन खुद, जिन्होंने ब्रह्म समाज के में काम करते हुए अंग्रेजों को कहा था कि इस प्रकार का कानून बनाओ, और जब ये कानून बन गया तो केशव चंद्र ने अपनी 8 साल की पुत्री का विवाह कूच बिहार के 12-14 साल के राजकुमार के साथ कर दिया। यानी केशव चंद्र सेन की बेटी भी माइनर थी और वो राजा का बेटा भी माइनर था। तो लोगों को लगा कि जिस ब्रह्म समाज में बाल विवाह का विरोध किया जाता है, उसी का मुखिया अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया, यानी ये व्यक्ति ठीक नहीं है। इसलिए जो मॉडर्न या इंडियन ब्रह्म समाज था, जिसके मुखिया केशव चंद्र सेन थे, इसके जो मेंबर्स थे वो धीरे धीरे केशव चंद्र सेन से नाराज हो गए और फिर से एक बार 1878 में ये जो मॉडर्न ब्रह्म समाज है उसमें भी विघटन हुआ और फिर वो दो भागों में बट गया। पहला वाला केशव चंद्र सेन के हाथ में रहा, जिसको मॉडर्न या इंडियन ब्रह्म समाज कहा जाता था। दूसरा जो नया वाला बना उसको कहा जाता था साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। तो कुल मिलाकर 3 ब्रह्म समाज हो गए, जो बिल्कुल ओरिजिनल था आदि ब्रह्म समाज, जो थोड़ा मॉडिफाइड था केशव चंद्र सेन द्वारा वो हो गया मॉडर्न ब्रह्म समाज, और जो उससे भी बाद में तीसरे नंबर का बना वो था साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। तो 1878 में ओवर द इशू ऑफ नेटिव मैरिज एक्ट 1872 विच वाज वायलेटेड बाय केशव चंद्र सेन बाय मैरिंग हिज माइनर डॉटर सुनीता देवी, उनकी 8-9 साल की बेटी थी सुनीता देवी, उसका विवाह कर दिया गया था माइनर प्रिंस ऑफ कूच बिहार। कूच बिहार कर्नाटक का एक हिस्सा है, सॉरी बंगाल का एक हिस्सा है, बंगाल में पाया जाता कूच बिहार नामक इलाका, तो वहां के राजकुमार के साथ विवाह कर दिया था। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्त, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये केशव चंद्र सेन से नाराज हो गए थे और केशव चंद्र सेन से अलग होकर के इन्होंने मॉडर्न ब्रह्म समाज से अलग होकर के इन्होंने अपना ब्रह्म समाज लॉन्च किया था, जिसको बोला जाता था साधारण ब्रह्म समाज। बाद में ये साधारण ब्रह्म समाज बहुत पॉपुलर हुआ और इसमें बिपिन चंद्र पॉल, द्वारकानाथ गांगुली, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इत्यादि लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया, ठीक है। यहां पर स्टार बनाकर के नोट लिखा है, विवेकानंद ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम साधारण ब्रह्म समाज। विवेकानंद भी साधारण ब्रह्म समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, हालांकि वो उसके मेंबर नहीं बने, क्योंकि वो खुद आगे चलकर के रामकृष्ण मिशन नामक आंदोलन जो है चालू करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैगजीन्स हैं जर्नल बाय साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज ने अपने विचारों अपने सिद्धांतों को फैलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं निकाली। उन पत्र पत्रिकाओं के नाम आपको याद रखना है, एक है तत्व कौमुदी, दूसरी है ब्रह्म जनमत, तीसरा नव्य भारत, चौथा इंडियन मैसेंजर, पांचवा मॉडर्न रिव्यू। यह महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं साधारण ब्रह्म समाज द्वारा लागू किया गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो आदि ब्रह्म समाज हो, चाहे मॉडर्न ब्रह्म समाज हो, चाहे साधारण ब्रह्म समाज हो, उनकी कोर बिलीफ्स वही है। यानी ये जिसको सपोर्ट करते हैं ये सब लोग इनको सपोर्ट करते हैं, सब लोग इसका विरोध करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतभेद के कारण इसमें डिवीजन आया था, ठीक। अब एक और कॉन्सेप्ट है, अनुष्ठानिक ब्रह्म समाज और अनुष्ठानिक ब्रह्म समाज, ठीक है। ये दो ब्रह्म समाज क्या है? अनुष्ठानिक का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण रीति रिवाज, ब्राह्मण वाद को, पुरोहित वाद को मानते हैं, ठीक है। तो अनुष्ठानिक ब्रह्म समाज वो है जो जिसके सदस्य प्योरली केवल और केवल ब्राह्मण होते थे या कास्टलेस व्यक्ति। कास्टलेस व्यक्ति माने जो किसी जात पात को ना मानता हो या विदेशी व्यक्ति, वो इसके मेंबर होते, ठीक है। ये जो अनुष्ठानिक ब्रह्म समाज है ये कर्म के सिद्धांत को और पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता, ये मानता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसी ने ईश्वर में मिल जाता है, ना उसका पुनर्जन्म होता, ना उसको अपना कर्म भोगने के लिए वापस इस संसार में आना पड़ता, ठीक। अनुष्ठानिक ब्रह्म समाज क्या है? ब्राह्मण के अलावा भारतीय समाज के जो दूसरे जात के लोग थे, ठीक है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, ये तमाम लोग इसके मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द क्लास, और ये जो अनुष्ठानिक ब्रह्म समाज है ये कर्म और रिवर्त के सिद्धांत को मानता है, ठीक। अब ये जो अनुष्ठानिक ब्रह्म समाज है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और अल्टीमेटली अनुष्ठानिक ब्रह्म समाज ही ओवरऑल चला,
ठीक, लेकिन तभी आ जाए परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि अनुष्ठानी ब्रह्म समाज माने जिसके मेंबर या तो ब्राह्मण होते थे या विदेशी लोग, ठीक है, जो भारतीय जात पात को नहीं मानते थे वो लोग होते थे इसके मेंबर, ठीक है। और जो अनुष्ठानिक है उसमें भारत के ब्राह्मण के अलावा और जितनी जाति के लोग थे वो हुआ करते थे, ठीक। पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, पहले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हम समझेंगे राजा राम मोहन राय। 22 मई 1772 को इनका जन्म कलकत्ता के हुगली में हुआ, बंगाल के हुगली में हुआ। 27 सितंबर 1833 में लंदन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ एक टाइटल से उपाधियां हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय को भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, अ ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, भूत और भविष्य के बीच का सेतु, ब्रिज, हेराल्ड ऑफ न्यू एज, आधुनिक युग के प्रवर्तक, स्टार ऑफ अर्ली मॉर्निंग, सुप्रभात का तारा यानी सुख वीनस, सुप्रभात का तारा कौन है, वीनस, इंडियाज फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर, भारत के पहले नारीवादी विचारक, मेकर ऑफ मॉडर्न बंगाली प्रोज, जो आधुनिक बंगाली प्रोज है, प्रोज माने गद्य, उसके जनक है, ठीक। तो ये तमाम उपाधियां, तमाम जो ये टाइटल्स हैं, ये राजा राम मोहन राय को मिले हुए थे, ठीक है। एक्चुअली ये बैनर्जी ब्राह्मण थे, रॉय इनकी उपाधि थी जो बंगाल के नवाब द्वारा इनको दी गया था, फिर वो हेरिडिटरी बन गया। ही वाज सोशल रिफॉर्मर, लिंग्विस्टिक, जर्नलिस्ट, बंगाली ग्रामारियन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट। कौन कौन, क्या क्या उपाधि, मतलब इनकी ख्याति थी, कौन कौन से फील्ड में ये जाने जाते थे, समाज सुधारक थे, भाषाविद थे, अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान था, पत्रकार थे, बंगाली ग्रामर, बंगाली व्याकरणविद थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे और अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उनकी जो है पहचान है, जर्नी। चलिए उनकी यात्रा देखते हैं, ठीक है। जन्म हो गया उनका 1772 में, 1803 से 1814 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवान का काम किया, दीवान माने टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम करते थे, और इस टैक्स वगैरह कलेक्ट करने में इनका कई बार ट्रांसफर हुआ, तो ये कभी पटना रहे, कभी बनारस रहे, ठीक है, कभी मुर्शिदाबाद रहे, तो कई जगह घूमते फिरते रहे। इस कई जगह घूमते फिरते रहने से ये कई प्रकार के लोगों के संपर्क में आए, और जब ये मुसलमानों के संपर्क में आए तो अरबी और फारसी भाषा सीखी, जब ये बनारस गए तो वहां जाकर के संस्कृत भाषा सीखी, क्रिश्चियन मिशनरीज के संपर्क में आए तो उनसे ग्रीक भाषा सीखी, लैटिन भाषा सीखी, अंग्रेजी भाषा सीखी, हिब्रू भाषा सीखी, ऐसे तमाम विदेशी भाषाओं को सीखने का काम इन्होंने 1803 से 1814 यानी लगभग ये जो 10-11 साल का पीरियड था, इस 10-11 साल के पीरियड में इन्होंने 13 भाषाओं को सीख लिया, ठीक। कौन कौन से भाषा थे आप देख सकते हैं, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, हिंदी, हिब्रू, फ्रेंच, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, और भी बंगाली जिनकी मातृभाषा थी, ठीक है, और भी ऐसे असमीज, ऐसे कई भाषा इनको आती थी, ठीक है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, रिजाइन कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, और फिर 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की, आजकल उसको कैलकटा कहते हैं, पहले उसको कोलकाता कहते थे, और इन्होंने आत्मीय सभा जो संगठन बनाया था उसके माध्यम से एक ईश्वरवाद और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को फैलाया। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, ये सब कलकत्ता में कर रहे थे वो, ठीक है, जिसके माध्यम से भारत का जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, ईस्टर्न नॉलेज, उसको लोगों के बीच में फैलाया। 1817 में डच व्यक्ति डेविड हेयर और अंग्रेज व्यक्ति अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की, ठीक है, वहां पर भारतीय ज्ञान विज्ञान और जो विदेशी ज्ञान विज्ञान है दोनों को मिलाकर के पढ़ाया जाता था। 1820 में इन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम था द परसेप्ट ऑफ जीसस, जीसस के बारे में धारणा, क्या विचार है मेरा जीसस के बारे में, मैं क्या सोचता हूं, ठीक है, बेस्ड ऑन बाइबल, जो कि बाइबल पर आधारित था, और यह किताब 1823 में लंदन से पब्लिश हुआ था, और उसको पब्लिश कराने में इनकी मदद किया था जॉन डिग्बी नामक एक व्यक्ति ने। तो यहां तक हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, अभी राजा राम मोहन राय नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कवर करेंगे। धन्यवाद।